हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठानायस। अधिष्ठानायस में आपका स्वागत है। सो दिस इज अ क्लास ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, जो कि बहुत स्टाइल से पढ़ाते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ा भी इसके अंदर स्ट्रेस नहीं आता है और करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट होते जाते हैं। दिस इज फॉर द प्रीलिम्स 2025, स्पेशली डिजाइंड करंट अफेयर्स फॉर द प्रीलिम्स 2025। पढ़कर मजा आएगा, ठीक है। और आपको ना सिर्फ यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हम आपको यहाँ पर याद भी करवा दे रहे हैं, राइट। तो ये करंट अफेयर्स की क्लास जो है, दिस इज लेक्चर नंबर 28। इससे पहले 27 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने योगा क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं आप लोगों के लिए सुबह 5:30 बजे। इस योगा क्लास के बहुत सारे बेनिफिट है, स्पेशली डिजाइन फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन करी गई है। आप 5:30 बजे YouTube के चैनल पर आकर इस योगा क्लास को एंजॉय कर सकते हो। दैट इज द वे जिससे कि हम प्रकृति से बहुत सारी एनर्जी जो है वो खींच रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा पूरा दिन जो है अच्छा जाए, पूरा दिन हम अपना पूरा का पूरा अगर एक तरह से एनर्जेटिक दिन जाए, राइट। चलिए, एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं कि इस संडे को महामैराथन सेशन होगा 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के ऊपर। सुबह इस संडे को, दिस संडे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल। सुबह 8 बजे से बैठ जाना बच्चों, 8 बजे से सुबह बैठ जाना, और सुबह 8 बजे से लेकर शाम को अगर आप देखेंगे तो शाम हो जाएगी, है ना, 2 तो बजेंगे, कम से कम 2 तो बजेंगे आपके। 2 बजे तक हम दोनों साथ में बैठकर क्या करेंगे, महामैराथन सेशन करेंगे 1.5 ईयर करंट अफेयर्स का। आप लोग को ये बता दूं, अभी तक कई बच्चे होंगे जिन्होंने छोड़ दिया, मतलब अभी तक करंट अफेयर्स जिन्होंने करा नहीं होगा, राइट, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि अपने नोट्स प्रिपेयर करें, अच्छे से पूरा का पूरा रिवाइज करें। ये जो सेशन रहेगा, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जिसके अंदर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, मल्टीपल बेनिफिट होंगे, और इतने 6-7 घंटे तक बैठने की आपकी कैपेसिटी बन जाएगी। और क्या चाहिए आपको, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ कोर्सेज, इकोनॉमिक्स के कोर्स जैसे लॉन्च करा हुआ है, ये मॉड्यूलर कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर बहुत ही क्वालिटी के कोर्सेज का, क्वालिटी की क्लासेज यहाँ पर ली जाती है, जिसके अंदर कंप्लीट कवरेज कराया जाता है सिलेबस का। आपको पूरे के पूरे नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करे जाएंगे, लास्ट ईयर पेपर डिस्कशन होगा, डेली आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, स्पेशल प्रीलिम्स बैच होता है, ठीक है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होती है, एज वेल एज मेन्स टेस्ट सीरीज भी हम आपके इसके अंदर देते हैं। इसके अंदर नोट्स जो बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली योजना, कुरुक्षेत्र, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको लेकर हम नोट्स बना रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर आपके लिए रहेंगे, जो कि मेंस के अंदर आपको बहुत काम देंगे, राइट। चलिए, इसी साथ इथिक्स कोर्स भी है हमारे पास, आप इथिक्स कोर्स भी ले सकते हैं, दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वालिटी। इसके अंदर 50 लेक्चर्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी रिकॉर्डेड कोर्सेज जो आपको दिए जाते हैं मॉड्यूलर कोर्सेज के अंदर, ये रिकॉर्डेड कोर्सेज आपके पास 2 साल तक रहेंगे, तो ये टेंशन मत लेना कि सर अभी देंगे फिर 1 महीने बाद ले लेंगे, नहीं, 2 साल तक आपके पास रहेंगे, 2 साल तक आराम से देखिएगा इनको। इनके अंदर टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज को भी एंजॉय करो, एक कंप्लीट सॉल्यूशन, जो भी हमारे मॉड्यूलर कोर्स हैं वो एक तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन है उसमें, फिर उसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए मॉड्यूलर कोर्सेज, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि है ना एक तरह से क्या है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर वीक होते हैं, राइट। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वन ऑफ माय फेवरेट, अमूर फैल्कॉन्स, ठीक है। अमूर फैल्कॉन्स क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो ये आ रही हैं, वो आएगा, अमूर फैल्कॉन आएगा, ठीक है, और वही मणिपुर के अंदर आ रही है, राइट, और इसके लिए अभी से तैयारियां स्टार्ट होने लग गई, जश्न बनने लग गया है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर कह दिया भाई इनको कोई भी हाथ नहीं लगा, किसी ने इनको छुआ ना फिर देख लेना, हंटिंग को इसका बैन कर दिया है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। ये आती है मणिपुर के अंदर, ये आती है नागालैंड के अंदर, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर आती हैं, राइट, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरह से माइग्रेटरी बर्ड रैप्टर, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड का मतलब क्या होता है, जिनको गेड़ी मारने का शौक होता है, गेड़ी मतलब होता है कि घूमने का शौक होता है, जैसे पंजाब में घूमने को गेड़ी बोलते हैं, राइट, तो गेड़ी मारने का शौक होता है। ये निकलती हैं कहाँ से, इनका अगर तुम माइग्रेटरी रूट देख लोगे ना तो तुम्हारा हैरान रह जाओगे, भाई एक साल में कितना ये उड़ती हैं, राइट, उनकी उड़ने की स्टैमिना, इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो इस ऐसी बर्ड के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये जो होती है ना, ईस्टर्न मंगोलिया के अंदर इसका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना के अंदर एंड द फार रशिया ईस्ट, वहां से ही आ रही है, और इतनी दूर से आ रही है, हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं आ रही है, हमारे पास तो थोड़े दिन के लिए रुकती है, राइट, और फिर कहाँ जाती है सर, फिर जाती है साउथ अफ्रीका के अंदर, हैं सर, रशिया से निकल रहे, मंगोलिया से निकल के साउथ अफ्रीका तक जा रही है, और वो भी बिल्कुल इंडिया को क्रॉस करते हुए, बहुत बड़ा रूट है सर इनका, माइग्रेटरी रूट तो बहुत खतरनाक है। तो आप देखो, सबसे पहले हम माइग्रेशन रूट ही हम इसका समझेंगे, माइग्रेट टू अफ्रीका एंड सदर्न एशिया ड्यूरिंग विंटर, विंटर के टाइम पर ये आती हैं, ठीक है, नोन फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन ट्रेवलिंग 22,000 किलोमीटर एनुअली, इतना ही उड़ती है 22,000 किलोमीटर, इतनी तगड़ी कैपेसिटी है सर, हम तो है ना
बहुत एक साल के अंदर हम तो बहुत कम चल पाते होंगे। ये देखो ये 22,000 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो देखो अमर फलकॉन माइग्रेट फ्रॉम इट्स ब्रीडिंग ग्राउंड इन द ईस्ट एशिया टू विंटरिंग एरियाज इन द अफ्रीका, और सिग्निफिकेंटली स्टॉप ओवर्स होते हैं वहां पर इंडिया के अंदर, स्पेशली जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना वहां पर ही होता है। तो देखो भाई ये इसका एक तरीके से क्या है, इसका रूट है, यहां से निकली और इंडिया के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी देर रुकी, सांस ली नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, सांस लेकर फिर वापस चल पड़ी, ठीक है, फिर वापस यहाँ से लौट कर फिर वापस यहाँ पर अपने घर आ जाती है। तो घर से निकल के ही कुछ दूर चलते ही इंडिया आ जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाती है इंडिया की, यहाँ पे थोड़ा आराम करती है, पानी वानी पीती है भैया, यहाँ पे आराम करती है और फिर ये यहाँ पर इस तरह से चली जाती है साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के बाद फिर वापस उड़ के यहाँ पर आती है। ये इसका हर साल का यही काम है और बिल्कुल झुंड में आती है। ये देखो ये नागालैंड के अंदर एक विलेज है, दैट इज नोन एज स्पंगति विलेज, ठीक है, स्पंगति विलेज के अंदर ये यहाँ पर रुकती है। इतनी सारी अगर देखेंगे संख्या के अंदर ये इसके अंदर आती है, ठीक है। तो पंगति इज नोटेबल फॉर बीइंग ए स्टॉप ओवर पॉइंट फॉर द अमूर फलकॉन ड्यूरिंग द माइग्रेशन अट्रैक्टिंग बर्ड वॉचर एंड रिसर्चर, और यहाँ पर सब कोई फोटो लेकर खड़ा हो जाता है। पर पहले आप देखेंगे यहाँ पे फोटो लेकर खड़े नहीं होते थे, यहाँ पे पहले बंदूकें लेके खड़े होते थे, इनका स्वागत कराया जाता था, आओ स्वागत नहीं करोगे हमारा, बंदूकों से स्वागत करा जाता था। और बंदूकों से मतलब यहाँ पे हंटर कम्युनिटी जो थी ना वो इनको बहुत ज्यादा इनको मजे हो जाते थे, हंटर कम्युनिटी इनको मार देती थी, राइट। पर हंटर कम्युनिटी कम्युनिटी के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया, अब यही हंटर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो सेव कर रहे हैं अमूर फलकॉन को। अब ये लोग जो हैं वो जश्न मनाते हैं कि हमारे यहाँ पे परदेसी आ रही है, ठीक है, आ रही है, अमूर फलकॉन आ रही है, ठीक है, आ भी रहा भी हो सकता है, रही भी हो सकती है ना, दोनों होते हैं, मेल फीमेल दोनों होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखो नागालैंड का पंगती विलेज जो है, जहां पर पहले हंटर्स जो हंट करते थे अब वो कंजर्वेटर्स बन गए, वो कहते हैं कि आप आओ तो सही, हम आपका बहुत स्वागत करेंगे, आप हमारे मेहमान हो। क्यों ऐसा हुआ ये हम समझेंगे। देखो इस तरह से अपने घरों के अंदर इस तरह की फोटोज लगाकर ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। अमूर फलकॉन आएगी बोलेगा अरे ये तो मेरी फोटो है, राइट, इस तरह से। और यहाँ पर जहां पर भी ये रुकते हैं वहां पर इनके लिए सब सुविधाएं प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है। ये बंदा पहले क्या था, ये हंटर था, अब ये क्या है, ये कंजर्वेशनिस्ट है, ठीक है। अगर वहां पर जो भी आती है उनको उनकी ये क्या करते हैं, मदद करते हैं ये सब लोग अब मिलकर, है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, देखो हिस्टोरिकली अगर हम देखें लार्ज नंबर ऑफ द पीपल वर हंटेड वर हंटर्स, ठीक है, और ये लार्ज नंबर जो इनका था ना उनको हंट किया जाता था, हंटेड ड्यूरिंग देयर स्टॉप ओवर्स पर्टिकुलर इन द नागालैंड। बट यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई गई, कंजर्वेशन एफर्ट्स फैलाए गए और अब यहाँ पर ये प्रैक्टिस को रिड्यूस कर दिया गया, अब इनके ऊपर बैन लगा दिया है, कंप्लीटली बैन है कि बाहर के लोग आ रहे हैं भाई तुम उनको मार मार के भगा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, बाहर के लोग हमारे मेहमान होते हैं, राइट, मेहमानों को मेहमानों की तरह रखो, तो इनको मेहमानों की तरह रख रहे हैं। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये आती है ना तो हम अपने साथ बहुत सारे फायदे लेकर आती है, ऐसे नहीं आ जाती मुंह उठाकर, ठीक है, फायदे लेकर आती है। आप कभी किसी घर जाते हो तो कुछ देकर आते हो ना, मिठाई विठाई, उसको जैसे ये आती है, मिठाई तो लेकर नहीं आती, पर ये आती है ना तो यहाँ पर झुंड में आती है, और झुंड में आती है तो बहुत सारे पेस्ट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा टिड्डी, राम जी की टिड्डी, ठीक है, टिड्डी जो होती है, टिड्डी दल आता है, वो क्या करता है, वो इस तरह से लॉकूस्ट होते हैं, लॉकूस्ट क्या करते हैं, लॉकूस्ट सारा खेत खा जाते हैं, ठीक है, तो लॉकोस्ट को ये खा जाती है, ये लॉकोस्ट को खा जाती है, ये आती है झुंड में और लॉकोस्ट को खा जाती है, बोले हम लोगों का इन हमारे जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं उनके तुम खेत खा रहे हो, चलो हम तुमको खा जाते हैं, इस तरह से इसको खा जाती है। तो इंसेक्ट से ये बचाती है, बहुत सारे इंसेक्ट आने इनके आने के बाद ये झुंड में आती है और बहुत सारे इंसेक्ट्स को खा जाती है, तो ऐसे झुंड में आएंगी और सारे इंसेक्ट्स को, है ना, टिड्डी को, ठीक है, और लॉकोस्ट को और यहाँ पर जो भी पेस्ट होते हैं उनको खा जाती है, तो इट इज वेरी गुड फॉर देम। दूसरा इनका बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इनका बेनिफिट होता है इन लोगों का, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं इनको देखने के लिए, अरे भाई मंगोलिया से आया मेरा दोस्त, इनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोग आएंगे तो फोटो वोटो लेकर आएंगे, यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा, और इस तरह से यहाँ पर देखें इको टूरिज्म पोटेंशियल है, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन द बर्ड वॉचिंग कैन बूस्ट लोकल इकोनॉमीज एंड प्रमोट कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। अब इनका देखता है IUCN स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस देखें तो ये है ना, इनको फर्क नहीं पड़ता। देखो एक एक बात सोचो कि घर छोड़ के आ रही है 20,000 किलोमीटर तक घूम कर आ रही है, ये कितनी मस्त रहती होगी, इसको कोई फर्क पड़ता होगा, इसके घर वाले बोलते हो कहाँ जा रही है, ठीक है, तो इसको कोई फर्क पड़ता होगा, बोलती कहीं भी जाऊं आपकी आपको क्या, और निकल जाती है, फिर इंडिया में रुकती है, फिर इस तरह से ऐसे घूमती है, राइट। तो इसको है ना इसीलिए लीस्ट कंसर्न है, इसको कंसर्न नहीं है किसी का, कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में, सब इसके बारे में बातें बनाती है, अरे पता नहीं है तो अपने बॉयफ्रेंड की रहती होगी, ये सब चीजें, पर इसको लीस्ट कंसर्न है ना, ये सब इस तरह से आप याद कर लें इसको, ठीक है, याद करने के लिए बता रहे हैं सर। तो IUCN रेड लिस्ट के अंदर इसका जो है
स्टेटस है दैट इज नोन एज लीस्ट कंसर्न, दो मॉनिटरिंग इज नेसेसरी ड्यू टू हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस उसका होता जा रहा है। थ्रेट्स क्या है इसके कि जहाँ पर ये जाती है ठीक है वहाँ पर हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज होती जा रही है, वहाँ विंटर के अंदर ये जाती है क्योंकि इसको गर्मी बहुत लगती है तो विंटर के टाइम पर ये जाती है साउथ अफ्रीका के अंदर, और विंटर अब रही नहीं, अब तो भैया क्लाइमेट चेंज हो गया, अब तो सूरज का ताप ही रहा है हर जगह ठीक है, विंटर में भी ऐसा लगता है जैसे गर्मियां चल रही हैं ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, भारत के अंदर 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको क्या करा गया है, प्रोटेक्ट करा गया है, शेड्यूल फोर के अंदर इसको डाला गया है। शेड्यूल फोर मतलब ये है कि भैया कोई इसके हाथ लगा दे ना फिर देखना, तुम हाथ लगा दे तो तुमको 3 साल की सजा हो जाएगी ठीक है, और इसका मतलब हाथ लगा दिया मतलब इसको मार के खा गए ठीक है, मार के खा गए तो 3 साल की सजा हो जाएगी, और 3 साल की सजा हो जाएगी प्लस 25,000 रुपए और दो, और एक बॉन्ड भी देना पड़ेगा आपको कि मैं धारक 25,000 रुपए का बॉन्ड दे रहा हूँ ठीक है, अब से मैं इसको नहीं मारूंगा ऐसा करके ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो इट इज प्रोटेक्टेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इंक्लूडेड इनटू द शेड्यूल 4, हंटिंग ऑफ द बर्ड्स और पजेसिंग इट्स मीट इज पनिशेबल विद द इंप्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और ए फाइन अप टू 25,000 और विद द बॉन्ड ठीक है। चलो नेक्स्ट हम दिखाते हैं, ये देखो भाई साहब ये देखो कितना मस्त एक ब्रिज है। सर ये ब्रिज है, अरे सर नीचे से तो नदी निकल रही है, हाँ बिल्कुल, और ये देखो ये ब्रिज बना हुआ है, और ऊपर से देखो ये ट्रेन निकल रही है, जो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। हाँ हमारे जो रेल मिनिस्टर है ना अश्नवी वैष्णव, उन्होंने अभी एक वीडियो निकाला है इसका ठीक है, वो वीडियो देखना, देखो कितना खतरनाक है ये ब्रिज। अपने आप में एक अनोखा ब्रिज है जिसके अंदर अपने आप में टेक्नोलॉजी का एक तरीके से अजूबा सा है, टेक्नोलॉजी के लिए अगर अजूबा सा, ये बहुत दिनों के अंदर यहाँ पर बना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज लाऊंगा जिससे कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी ठीक है। एक चीज लाया हूं दैट इज नोन एज सिलेक्शन बैच, दिस सिलेक्शन बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमने एक महीने की ब्रेन स्टॉर्मिंग करके इसके अंदर इसका पूरा शेड्यूल डिजाइन कराया है ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो प्रीलिम्स के अंदर बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो तुम ठीक है, पढ़े सब कुछ लिया है, मेहनत बहुत कर रहे हो बट फेल हो रहे हो, क्यों, क्यों कुछ कुछ गलतियां कर रहे हो, वो गलतियां आप रिपीट ना करें इसलिए ये बैच है। ये बैच इसलिए है जिससे कि आपको एक शेड्यूल्ड मैनर के अंदर पढ़ाया जाए, पढ़ा बहुत लियो भैया वापस लक्ष्मीकांत उठाते हुए तुमको घबराते हो गए, अब लक्ष्मीकांत की हालत देखो तुम्हारी, रेड लाइन कर करके खा चुके हो तुम इस बुक को ठीक है, पर फिर भी अभी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप गलतियां करते हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए बैच है। डेली 15 questions लाइव MCQ सॉल्विंग क्लास विल बी देयर, हर दिन के 50 questions रहेंगे। मेरा यह है कि आपको इस कोर्स के अंदर मोर देन 9,000 questions मैं करा दूं, दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती मत करना कि कोर्स आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपको सारे ये जो मॉड्यूलर कोर्सेज मैंने आपको बताया था वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। जो कोर्स 3,000-3,500 रुपए के हैं ठीक है, हर सब्जेक्ट के, वो सारे के सारे आपको क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे यहाँ पर। कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू द MCQs, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इनका आपको रिवाइज करा देंगे MCQs के थ्रू। स्पेशल क्लासेस फॉर CSET एग्जामिनेशन विल बी देयर, CSET के लिए भी स्पेशल क्लास है, टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स मेंस के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेमोराइजिंग। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक कई बार प्रीलिम्स दे चुके हैं या फिर जिन्होंने प्रीलिम्स का अच्छे से पढ़ लिया है बट उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो ये बैच ज्वाइन कर लो, आप मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इस बैच के अंदर ढंग से चलोगे तो इसके अंदर हमने इतना सारे फीचर रखे हैं और इतना अच्छे से एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, शेड्यूलिंग करी होगी कि ये आपके लिए बहुत मदद करेगा ये बैच। चलिए ये देखो भाई ये है हमारा चेनाब ब्रिज, इसका नाम जो था ना वो चेनाब है, और नीचे से नदी जो आपको दिख रही है वो नदी दिख रही है आपको, दैट इज चेनाब रिवर। ये अगर देखेंगे तो 359 मीटर लंबा है, ओ माय गॉड आईफल टावर, ये देखो आईफल टावर से छोटा, आईफल टावर इसे छोटा रह गया, आईफल टावर कह रहा है यार मैं तो तेरे से 35-35 मीटर छोटा रह गया यार, तू तो इतना बड़ा हो गया, मेरे को तो आईफल टावर बहुत बड़ा है ना, तो उसका देखो उससे भी बड़ा, उससे भी ऊंचाई पर ये चेनाब ब्रिज, सोच कर देखो कितना मिरेकसली ये बनाया गया होगा। और ये 1.3 किलोमीटर और इस पर चलती है ट्रेन, और मेरे तो धक 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 जी करने लग जाएगा अगर मैं कभी इधर से गया तो ठीक है। चलो अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम पढ़ ले। चेनाब ब्रिज इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज एंड इज ए पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, इसका ये पार्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये क्या है प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया गया था मार्च 2002 के अंदर, और इसको बनते 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 इसमें बहुत सारा स्टील लगा है, बहुत सारा इसके अंदर क्या है बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगी है, और ये एक तरह से अपने आप में भारत का एक प्राइड है, इसके नीचे भी लिख रखा है इंडियाज प्राइड ठीक है। तो यहाँ पर देखो अबाउट चेनाब ब्रिज, दिस ब्रिज 1315 मीटर लॉन्ग ठीक है ना, 1.3 किलोमीटर लंबा है एंड 359 मीटर अबव द बेड लेवल ठीक है। ब्रिज डिजाइन टू विदस्टैंड हाई स्पीड विंड, हाई स्पीड विंड होगी जो 266 किलोमीटर पर आवर की भी विंड चलेगी ना
तो भी ये रहेगा, तो भी ये बचा रह जाएगा, ब्रिज डिजाइन फॉर द ब्लास्ट लोड इन कंसल्टेशन विद द डीआरडीओ, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया। ब्लास्ट लोड जो होगा, अगर कोई इसको बम से उड़ाने की कोशिश करेगा ना, उसको भी ये सेंड कर जाएगा एक बार। ब्रिज ब्रिज डिजाइन टू बियर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आएगा तो उसको भी सेंड कर जाएगा, ऐसा ब्रिज हमने बनाया। और ये ब्रिज जो है, दैट इज द रेल लाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी 35 मीटर टालर देन द आईफिल टावर। सोच कर देखो, आईफिल टावर छोटा पड़ गया इसके आगे, आईफिल टावर चिढ़ने लग गया, यार ये तो मेरे से भी ऊंचा हो गया, मैं सबसे ऊंचा था, ये मेरे से भी ऊंचा हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमेशा न्यूज के अंदर रहता है, पिछले साल भी था, पिछले साल भी था, उससे पिछले 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 साल था, और एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 क्या है, ये अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। देखो 1991 का ये एक्ट है ना, ये क्यों बना था, आप देख रहे हैं बाबरी मस्जिद हुआ था, तो बाबरी मस्जिद होने के बाद सरकारें डर गई, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डर गई, उसके अंदर पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के अंदर बाबरी मस्जिद, मतलब डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद जब हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो रिलीजन के नाम पर एक तरह से क्या है, एक तरह से बहुत तगड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। कैसे छिड़ जाएगी, अब हर जगह ऐसे बोला जाएगा कि ये पहले मंदिर था, इसके ऊपर मस्जिद बनी, इसको भी तोड़ दो, ठीक है, ये पहले मस्जिद थी, इसके ऊपर मंदिर बना दिया, इसको तोड़ दो, और ऐसे भारत के अंदर एक रिलीजियस उन्माद हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें भाई, ये बाबरी मस्जिद का केस तो चला गया कोर्ट के अंदर, इसको छोड़ के जो बाकी रिलीजियस स्ट्रक्चर है ना, उसके लिए हम एक लॉ निकाल देते हैं, और दैट लॉ इज नोन एज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। 1991 में निकाला हुआ एक कानून जिसके अंदर बोला गया कि एक डेट देखो, कौन सी डेट है वो, 15 अगस्त 1947। अरे सर ये इसको तो हमको क्या है, हमको आजादी मिली, हाँ वही वाली 1947, 15 अगस्त 1947। इससे पहले कोई भी अगर रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसका जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन था, वो इसके बाद वो ही रहेगा। मतलब अगर ये मंदिर था तो ये मंदिर ही माना जाएगा, ये मस्जिद होगा तो मस्जिद ही माना जाएगा, इसको किसी कोर्ट के अंदर आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि राम जन्मभूमि केस 1991 तक राम जन्मभूमि केस किसके अंदर चला गया था, कोर्ट में चला गया था, तो उसको उसके अंदर से बाहर निकाला गया इस एक्ट के अंदर से। तो यहां पर देखो इस एक्ट का क्या है, इट सीक्स टू मेंटेन द रिलीजियस स्ट्रक्चर, रिलीजियस कैरेक्टर सॉरी, ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज इट वाज इन 1947, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट विच वॉज ऑलरेडी इन द कोर्ट, जो कि कोर्ट के अंदर पहले से था। तो सेक्शन थ्री जो इसका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सेक्शन थ्री कहता है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसका रिलीजियस कैरेक्टर वैसा का वैसा रहेगा। तो देखो सेक्शन थ्री ऑफ द एक्ट bans the conversion of the place of the worship or even a section of it into a place of worship of different religious denomination। जो जो है, अगर वो मान लीजिए मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगा, कोई आप इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, राइट। सेक्शन 4 क्लॉज 2 सेज दैट ऑल सूट्स अपील्स और अदर प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग कन्वर्टिंग द कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप दैट वर पेंडिंग ऑन द 15th अगस्त 1947 विल कम टू एन एंड व्हेन द एक्ट कमेंस एंड नो फ्रेश प्रोसीडिंग कैन बी फाइल्ड। आप कोई भी प्रोसीडिंग फाइल नहीं कर सकते, जो भी आपने प्रोसीडिंग फाइल कर रखी है वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगी, और अब जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, मंदिर है वो मंदिर रहेगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पे पहले मंदिर था, मस्जिद मंदिर मंदिर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस तरह से इसके अंदर बोला गया। और इस एक्ट को बहुत क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, अब ये बोल रहे हैं कि देखिए वाराणसी के अंदर हमारा हिंदू मंदिर है, उसके ऊपर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनी हुई है, तो उस ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमको ये करने नहीं दे रहा है। तो देखो एक्ट ऑल्सो इम्पोजेज ए पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू मेंटेन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एक्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पे था वैसे ही उसका क्या है, रिलीजियस कैरेक्टर रहने दिए। दिस लेजिस्लेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द इक्वालिटी ऑफ ऑल द फेथ इज एन एसेंशियल सेकुलर फीचर, और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डाला गया है। इसके अंदर कुछ एग्जेम्पशंस है, एग्जेम्पशन देखो अयोध्या की जो साइट है, डिस्प्यूटेड साइट, राम जन्मभूमि वाली साइट, क्योंकि वो कोर्ट में पहले से चली गई थी, मैंने आपको बताया। Any place of worship which is an ancient and historical monument or an archaeological site covered by the ancient monument and the archaeological site and remains Act 1958 is suit that has been finally settled or the disposed of, वो नहीं होगा इसके अंदर। Any dispute that has been settled by the parties or conversion of any place that took place by accusations before the act commenced, before the act commenced, ठीक है, ये सब चीजें क्या आएंगी, ये सब चीजें इसके अंदर से बाहर रहेगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर समझ में आ रहा है। रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है ना भाई, रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, और एक रीजन बड़ा घबरा रहा है, ट्रांसनिस्त्रा, ठीक है, ट्रांसनिस्त्रा रीजन जो है ना वो घबरा रहा है। ये ट्रांसनिस्त्रा क्या है सर, ये कोई कंट्री है क्या,
अपने आप को ही मानता तो कंट्री है, सेल्फ डिक्लेयर कंट्री, पर ये कंट्री है नहीं। यूनाइटेड नेशन की नजरों में कोई कंट्री नहीं है, रशिया की नजरों में भी कोई कंट्री नहीं है, यूक्रेन की नजरों में भी कोई कंट्री नहीं है। तो सर किसकी नजरों में कंट्री है ट्रांसनिस्ट्रिया? ठीक है, ये खुद की नजरों में कंट्री है। क्या मतलब सर, समझ में नहीं आ रहा, तभी तो पढ़ा रहे, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो। ये देखो ये नीला वाला, ये सॉरी ये दिख रहा है आपको पीला वाला चीज एरिया, ये है मोल्डोवा। मोल्डोवा वाज वंस अपॉन ए टाइम वाज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। अच्छा सर, 1991 से पहले यूएसएसआर का ये पार्ट था, यस। और इसका ये रीजन था ना, ये रीजन इसके साथ ही था पहले, ट्रांसनिस्ट्रिया वाज द पार्ट ऑफ मोल्डोवा। ठीक है, मोल्डोवा तो अभी तक मानता है कि हमारा पार्ट है, ठीक है, पर यहाँ के लोग नहीं मानते। अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पर आप मोल्डोवा देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, और अगर इसके ईस्ट में देखोगे, इस साइड देखोगे, है ना, ये ईस्ट साइड है, यहाँ पर जो है दैट इज यूक्रेन। तो यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच में फंसा हुआ एक नेशन दैट इज नोन एज ट्रांसनिस्ट्रिया। ये ट्रांसनिस्ट्रिया अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड मानता है कि हम सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक है। जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो मोल्डोवा यूएसएसआर से अलग हुआ और मोल्डोवा से ट्रांसनिस्ट्रिया अलग हो गया। ट्रांसनिस्ट्रिया ने बोला कि भाई हमारा अलग नेशन है, टाटा बाय बाय, तुम्हारी जो है तुमको ही सलामत, ठीक है, अब हम अलग नेशन। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। तो ये देखो ट्रांसनिस्ट्रिया इज ए टाइनी ब्रेकअवे रीजन, ब्रेकअवे रीजन है मोल्डोवा का, ठीक है, तो मोल्डोवा का पर ब्रेकअवे रीजन है। इट लाइज बिटवीन द मोल्डोवा टू इट्स वेस्ट एंड यूक्रेन टुवर्ड्स इट्स ईस्ट। कैपिटल टिरास्पोल, टिरास्पोल इसका कैपिटल है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक सिंस 1990 बट नॉट रिकॉग्नाइज बाय एनी यूएन मेंबर स्टेट्स, ऑपरेट विद इन विद इट्स ओन गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री। और इसको सपोर्ट जो करता है वो रशिया करता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और अगर आप देखेंगे पोस्ट सोवियत इरा के अंदर ये सोवियत यूनियन का पार्ट था, ठीक है, पर सोवियत यूनियन के कॉलअप्स होते ये बोला कि मैं भी अलग हो रहा हूँ। भाई मोल्डोवा ने बोला सभी अलग हो रहे हैं तो मैं भी अलग हो रहा हूँ, और मोल्डोवा भी अलग हो गया। मोल्डोवा के अलग होते ट्रांसनिस्ट्रिया ने बोला मैं तेरे से अलग हो रहा हूँ, तू यूएसएसआर से अलग हो रहा है, मैं तेरे से अलग हो रहा हूँ। ठीक है, रशियन इन्फ्लुएंस अगर हम देखें, रशिया हैज मेंटेन द मिलिट्री प्रेजेंस इन द ट्रांसनिस्ट्रिया व्यूइंग इट एज एन स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड इन द ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, इसी तरह से इसको रेमिनेंट ऑफ साउथ सोवियत यूनियन भी बोला जाता है। ट्रांसनिस्ट्रिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस लाइक मोल्डोवा सून आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन। पहले सोवियत यूनियन की बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, 13-13 गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहा था, फिर ये सारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होगी और इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ट्रांसनिस्ट्रिया इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंडिपेंडेंट इवन बाय द रशिया, रशिया भी इसको नहीं करता, पर रशिया इसको बहुत सारी चीजें देता है, ठीक है, रशिया इसको सपोर्ट करता है। मोस्ट ट्रांसनिस्ट्रियंस हैव ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफ रशिया एंड ट्रांसनिस्ट्रिया और ट्रिपल सिटीजनशिप ऑफ मोल्डोवा ट्रांसनिस्ट्रिया एंड रशिया। इस तरह से इसके अंदर लोग रहते हैं, लोगों को नहीं पता भाई कब किसकी साइड चल जाए, कहीं मोल्डोवा का पार्ट हो जाए, कहीं रशिया का पार्ट हो जाए, कहीं खुद का पार्ट ही रहे, खुद इंडिपेंडेंट बन जाए, तो सारी सिटीजन लेकर ही बैठे। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। मैंने आपको जो सिलेक्शन बैच के बारे में बताया था बीच के अंदर, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बैच के बारे में सोचिएगा। आप जनरली क्या करते हैं, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि आपको लगता है हमने पढ़ रखा है, हम सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं बच्चों, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके फिर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, आप किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं, क्या आप पूरी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे, क्या आप 9000 क्वेश्चन कर लेंगे, 9000 क्वेश्चन अगर आप मान लो 30 टेस्ट की भी टेस्ट सीरीज करते हैं तो आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, सिर्फ 300 क्वेश्चन कर पाते हैं। मैं आपको 9000 क्वेश्चन का 3000 क्वेश्चन कर पाते हैं, मैं आपको इसके 3 times क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मैं आपको सारा कोर्स यहां पर दे रहा हूं, मैं आपको सीसेट की प्रिपरेशन करा रहा हूं। ऐसा बैच कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है, ये एक वन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप इसको क्या करें, आप इसको बिल्कुल एनकैश करें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।